Hello guys, this is Maggie Raj here and today I am going to get discuss about the Galileo odd order digits law of any free falling body. यानी जब भी कोई बॉडी फ्रीली फॉल कर रही हो तो गैलीलियो ने ये बताया कि अगर इक्वल टाइम इंटरवल का गैप हो रहा है, इक्वल टाइम इंटरवल का गैप लेकर के अगर सॉल्व करें कोई भी फ्री फॉलिंग बॉडी के लिए, तो वो जो लेंथ डिस्टेंस ट्रेवल करेगी दैट विल बी इन द ऑड ऑर्डर डिजिट्स. ओके, तो वो किस ऑर्डर में होगी? ऑड ऑर्डर में, 1, 3, 5, 7, इस ऑर्डर में. सो लेट वी डिस्कस अबाउट दिस. अ बॉडी विच इज फ्री फॉलिंग फ्रॉम दिस पॉइंट ए एंड इट ट्रेवल ए बी सी डी ई एफ and etc. Okay, here in the initially it traveled s equals to 0, but in this time a to b this t1 is equals to t. यहां से c तक के लिए टी टू इक्वल्स टू टू टी, यहां से डी तक के लिए ये टाइम टी थ्री इक्वल्स टू थ्री टी, वहीं से इनिशियल पॉइंट से यहां तक के लिए टी फोर फोर टी, और उसी इनिशियल पॉइंट से एफ तक के लिए मान लिया That is T5 equals to 5T and last हमने ग्राउंड तक के लिए G पॉइंट ले कर लिया T6 equals to 6T from top to ground. अब देखिएगा इनके बीच में मैं 0 से यहां तक के लिए जब ले रहा हूं तो 0 से यहां तक का गैप T है, जब B से C का ले रहा हूं तो 2T पूरा है और इतना टी है, तो 2T में जब टी माइनस करेंगे तो टी आ जाएगा. इसी तरीके से 3T वाले में ये यहां तक का पूरा 2T माइनस कर देंगे तो टी, यानी अगर इनमें देखें तो पर्टिकुलर टी टाइम ही लग रहा है. सो गैलीलियो सेड दैट n for any free falling body, any free falling body in the same time of interval, in the same time of interval any free falling body traveled in odd order multiple digits length. Okay, कोई भी body जो travel करती है वो length किस order में होगी? Odd order में होगी. So for any free falling body in the same time of interval, it means that body traveled some length that will be in the multiple order of odd digits. Okay, so देखिए हमने यहाँ पर start से time let किए हैं T1, T2, 2T, T3, 3T, T4 पूरा complete 4T, T5, 5T, T6, 6T. अब हम इनको particular gap में भी decide कर दियो तो ये भी confirm हो गया कि equal time interval लग रहे हैं. सो नाउ वी विल कैलकुलेट. इन दिस केस इनिशियली तो ये लेंथ जीरो होगी, बट जैसे ही फ्री फॉलिंग बॉडी के लिए आप जानते हैं s इक्वल टू जीरो टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, तो ये तो जीरो हो जाएगा, तो s इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर ये फॉर्मूले का यूज करेंगे, तो यहां तक की लेंथ क्या हो जाएगी? s 1 इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, और हाफ जी टी स्क्वायर को हम एस नॉट मान लेते हैं, सो इट विल बी इक्वल टू 1 एस नॉट. जब ये कंप्लीट यहां तक के लिए ट्रेवल करके आएगा पूरा 2t टाइम तक के लिए, तो एस टू इक्वल टू 1 बाय 2 जी 2t का स्क्वायर, सो ए इट इज इक्वल टू 4 एस नॉट. हाफ जी टी स्क्वायर जहां भी आ जाएगा उसको हमने एस नॉट के फॉर्म में ले लिया है.
थ्री टी तक के लिए जब हम डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे तो 1/2g 3t का स्क्वायर, 3t मीन्स 9, सो इट विल बी इक्वल टू 9s0। नेक्स्ट 4t तक के लिए दिस विल बी इक्वल टू 1/2g 4t स्क्वायर, सो इट विल बी इक्वल टू 16s0। नेक्स्ट टिल 5t दिस s5 इक्वल टू 1/2g 5t स्क्वायर, सो इट विल बी इक्वल टू 25s0। एंड फाइनली व्हेन इट ट्रेवल्स अप टू 60, सो s6 इक्वल टू 1/2g 60 स्क्वायर, सो दैट विल बी इक्वल टू 36s0। अब देखिएगा यहां से इतना गए पर्टिकुलर टाइम में, इस टाइम में कितनी लेंथ चली, 1s0। यहां इसमें कितनी लेंथ चली, तो कंप्लीट यहां तक पूरी कितनी थी, 4s0। मैं 1s0 माइनस करेंगे तो ये आ गई 3s0। कितने, फिर स्टार्ट से यहां तक ये है 9s0, तो 9s0 में यहां तक की पूरी माइनस कर दीजिए 4s0, तो 9-4 5s0। नेक्स्ट आप गैप करते चलिए पर्टिकुलर, 16-9 7s0। नेक्स्ट 25-16 9s0। नेक्स्ट 36-25 दिस विल बी इक्वल टू 11s0। सो हियर टाइम विल बी सेम एंड दिस लेंथ विल बी ट्रेवल इन द 1, 3, 5, 7, 9, 11 इन दिस ऑर्डर। सो अकॉर्डिंग टू गैलीलियो लॉ वी कैन से दैट इन द इक्वल टाइम इंटरवल एनी फ्री फॉलिंग बॉडी ट्रेवल सच अ लेंथ दैट विल बी इक्वल टू द मल्टीपल ऑर्डर ऑफ ऑड डिजिट्स। क्लियर, जो भी फ्री फॉलिंग बॉडी है वो जब गिरेगी तो ये इक्वल टाइम इंटरवल है, समान टाइम लग रहे हैं, उनमें से जो पर्टिकुलर लेंथ ट्रेवल की जाएगी वो जो है विषम अंकों के गुणक के रूप में लेंथ मिलेगी, यानी ऑड ऑर्डर में, ऑड डिजिट्स के मल्टीप्लाइंग ऑर्डर में। ओके, सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द इंटरसेप्शन लेंथ बाय एनी बॉडी। सो व्हाट इज इंटरसेप्शन लेंथ, इंटरसेप्शन लेंथ और डिस्टेंस, सो इट विल बी इक्वल टू लेट दिस कार स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए and here its initial velocity is u. After traveling a distance d, it reaches an another point b where it will stop. Finally it will stop due to the a constant retardation. We can say that जैसे ही कोई कार या कोई भी बॉडी ट्रेवल कर रही है और ट्रेवल करते करते वो स्टॉप में आ जाए, स्टॉप पोजीशन में आ जाए, इट मींस में क्या हो रहा था, रिटार्डेशन होने लगा था। तो यहाँ पर दिस इज अ कार हुज इनिशियल वेलोसिटी इज यू एट पॉइंट ए एंड आफ्टर ट्रेवलिंग अ लेंथ डी दैट इज द इंटरसेप्शन लेंथ। ओके, एंड फाइनली द कार हैज बीन स्टॉप्ड एट पॉइंट बी। So, we can use this v square equals to u square plus 2as. Okay, so v equals to 0, u square plus 2ad. So, minus u square upon 2a equals to d. This d is equals to interception length. Interception length is that length whenever any body come at rest position from
स्टार्टिंग सम वेलासिटी, यानी जब भी कोई बॉडी किसी वेलासिटी से स्टार्ट करे और स्टार्ट करके जब तक वो फाइनली रेस्ट पर ना आ जाए तब तक की जो लेंथ है विद अ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, मीन्स वी कैन से दैट दिस एक्सीलरेशन विल बी इक्वल टू रिटार्डेशन, ओके, बिकॉज इट विल बी स्लोली एंड स्लोली डिक्रीजेज इट्स वेलासिटी एंड फाइनली कम एट द रेस्ट. सो दिस लेंथ विल बी इंटरसेप्शन लेंथ. कोई कार है, ए से स्टार्ट किया कुछ वेलासिटी से एंड यूनिफॉर्म, ये एक्सीलरेशन मीन्स रिटार्डेशन है, डिक्रीज कर रही है वेलासिटी, इसलिए डिक्रीज करते करते जब तक ये रेस्ट में ना आ जाए, यानी जैसे ये रेस्ट पर आ गई वहाँ तक की जो लेंथ होगी फ्रॉम स्टार्ट टू एंड दैट्स लेंथ विल बी इक्वल टू इंटरसेप्शन लेंथ. सो वी कैन यूज दिस थर्ड इक्वेशन ऑफ द मोशन, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस एंड एस इज इक्वल टू डी. सो वी इज इक्वल टू जीरो यू स्क्वायर प्लस टू ए डी. सो वी कैन राइट दिस माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू टू ए डी. सो after the solving d equals to minus u square by 2d. This is the interception length. Okay, thank you.